एक बार एक जाने माने डॉक्टर ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाके रहेगा। उनका उद्देश्य था एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढना जिससे ऐसी दवाई बनाई जा सके जिससे इंसान की युवा अवस्था वापस आ जाए। हालांकि उनकी इस तलाश के बारे में कोई नहीं जानता था, यहां तक कि उनकी पत्नी भी। सालों बीत गए लेकिन उस रहस्यमय जड़ी बूटी को अभी तक खोजा नहीं जा पाया। एक शाम घंटों की तलाश के बाद वो डॉक्टर वापस अपने घर लौटा। वो अपनी पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो तकरीबन 30 साल जवान दिख रही थी। डॉक्टर ने पूछा, अरे क्या हुआ? उसकी पत्नी ने बताया कि खाने में चम्मच चलाने के लिए उसे एक डाली की जरूरत थी जो दरवाजे के बाहर ही मिल गई, और खाना जरूरत से ज्यादा ही पक गया था, इसलिए मैंने उसे पूरा खा लिया और तुम्हारे लिए फिर से बनाया। बढ़ती हुई उत्सुकता के साथ डॉक्टर ने पूछा, वो डाली कहाँ जिसको तुमने इस्तेमाल किया? वो डाली ही मेरी खोज का अंत है। उसकी पत्नी ने पूछा, कौन सी खोज? मैंने तो वो डाली आग में डाल दी। जब खाना पक गया, उसकी पत्नी को पता नहीं था अपने पति के उद्देश्य के बारे में। पति और पत्नी को एक दूसरे का साझेदार होना चाहिए, ऐसी साझेदारी जिसमें एक दूसरे के लिए परवाह, प्रेम और संवाद हो। दोस्तों, पवित्र शास्त्र कहता है इफिसियों 5:25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। लेकिन क्या इस काम के लिए हम तैयार हैं?